के छिनने से मायूस ग्वालियर वासियों के लिए एक राहत की खबर है। अप्रैल माह में उनको T18 ट्रेन की सौगात मिल सकती है। ट्रेन की सफल ट्रायल के बाद अब एंट्री गेल कोच में दो नए रैक तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ट्रेन दिल्ली भोपाल के बीच चलाई जा सकती है। शताब्दी की जगह पहले T18 को दिल्ली भोपाल के बीच चलाए जाने का प्लान था, जिसे बाद में बदलकर दिल्ली वाराणसी कर दिया गया है, जिसे ग्वालियर के अंचल व्यापारी और आम नागरिक मायूस हो गए थे। पर अब ग्वालियर वासियों को फिर से T18 ट्रेन मिलने की उम्मीद है। इस पर चैंबर के सचिव प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि जब इस रूट पर ट्रेन का ट्रायल सफल रहा था, फिर उसका रूट क्यों बदला गया था? DRM ने कहा है कि दो रैक और बन रहे हैं, और उसमें से हो सकता है कि एक रैक ये भोपाल और दिल्ली को मिल जाए, तो ये तो आंसू पहुंचने वाली बात है। बन रहे हैं, कब बनेंगे, कब आएंगे, फिर कोई मोदी जी जैसा भारी भरकम व्यक्ति आएगा और वो अपने क्षेत्र में ले जाएगा। हमारे एरिया से जो सांसद हैं वो भी बहुत भारी अपने प्रभावशाली सांसद हैं, उन्हें भी बोलना चाहिए और उन्हें बोला होगा, लेकिन अगर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है तो उनको बिल्कुल ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जी के आगे हमारे सांसद जी की नहीं चलेगी, लेकिन इतनी तो चलनी चाहिए कि अगला रैक जो बनेगा वो उसकी घोषणा हो कि वो भोपाल और दिल्ली के बीच में ही चलेगा, उसकी पूर्व घोषणा होना चाहिए। इसके लिए अगर ये 25 तारीख को हमारे यहाँ नहीं चलता है तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इसके लिए आंदोलन, जन आंदोलन टाइप से चलाएगा, एक अभियान चलाएगा कि इसकी घोषणा हो कि जो दूसरा रैक बनेगा वो दिल्ली भोपाल के बीच में ही चलेगा।